गाइज कैसे हैं आप लोग, आई होप आप बढ़िया होंगे। मैं मीरा रावत मेहता स्वागत करती हूं आपका नए ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज जो लौती नौमी स्टार्ट हुई थी 24 तारीख से कलश यात्रा के साथ उसका शुभारंभ हुआ था, आपने देखा ही होगा पहले के ब्लॉग में। तो आज उसका पांचवी नवरात्रि है उसकी। आज हम सब महिलाएं जा रही हैं मंदिर गोदान करने, और ये अभी पीछे की महिलाएं आई नहीं है, जो हमारा ग्रुप है एक महिलाओं का सब जा रहे हैं साथ में, तो आई नहीं है, उनका वेट कर रहे हैं हम। और फिर मंदिर में मिलेंगे आपसे और गोदान का कैसे होता है वो भी दिखाएंगे, हर चीज से रूबरू कराएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए इतनी महिलाएं जा रही हैं, हम ये अभी तो पीछे ही हैं। ये देखिए ये वो नीचे भी पहुंची हैं, अभी आई नहीं है। और ये रहा मंदिर का सामान, ये देखिए हेलो हाय। ये देखो आज मंदिर आ रहे हो आप सब? हाँ, आज हमारा फास्ट ठहरा। अच्छा, और पाठ गोदान, गोदान के लिए? हाँ। अच्छा आपका भी होगा, सबका ही होगा ना आज तो? हाँ, सब। अच्छा और कुछ कहना चाहेंगे YouTube फैमिली से? हाँ बोल करती हूँ, आप सब बढ़िया होंगे हमारे। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे चाची के ब्लॉग रोज देखिए और आगे को बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर पक्का कर दीजिए, बाय। ये देखिए दोस्तों अब पहुंच गए हैं हम मंदिर, ये देखिए, ये देखिए अब मंदिर का नज़ारा। ये मंदिर तो पहले भी देख ही चुके हैं आप, लेकिन आजकल मंदिर में रौनक ही कुछ और है। ये देखिए, ये देखिए जब यहाँ नवरात्रि होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये रहे हमारे यंत्र जिनके बिना कुछ भी कार्य अधूरा लगता है। ये देखिए, ये देखिए, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। हाँ हाँ, उस टाइम पर मतलब बना के आए। अच्छा, तो मुनराज जी जो है वो हमारे रिकेशर कोर्ट से आए हैं। हाँ हाँ, और रिकेशर कोर्ट से मतलब यहाँ जो है मैणावती थी माँ, तो वहाँ से पैदा होगी जो है भगवान ने जो है जब ब्राह्मण के घर में गए तो वहाँ जो है रेखा डाला, मतलब उनके पास देखा तो उन्होंने बताया कि ये जो है आपके कुंडली में जो है मतलब थोड़ा बहुत खराब है करके उनको बताया गया कि, और क्या कहते हैं इनको मतलब एक सूबा बोलते हैं उसमें रख के जो है वहाँ भाई के बगड़ के अंदर रख दो बोला। तो माँ उनकी बुआ जो थी तो ऊंचा हिमालयों में थी, तो वहाँ जो है वो नारायण जी ने जो है और स्वप्न दिया, तो वहाँ से वह बुआ आई तो वह लेके और गुरु जी के आश्रम में मोनराज जी को रह के अपनी माता के रिश्तेदार लोगों के घर में गए, वहाँ बोला कि अपना जो है यह पुत्र हुआ और तुमने हमको निमंत्रण नहीं दिया, ऐसा करके जो है उन्होंने जो है अपना दाजा मांगा। दाजा मांगा तब तो उसके बाद जो है सीधा जो है उनको रिकेश्वर से जो है अपना पूछ पर छाक जो बोलते हैं बर्फ डाल के बोलते हैं वह उनको दाजा दिया गया। अच्छा, तो दाजा दे के जो है उसके बाद जो है वह अपना वहाँ से उसको पीठ पर लगा करके वो सीधा यहाँ और उत्तराखंड के ओर आ गए। अच्छा, तो जहाँ पर वो विश्राम किया जैसे नैनीताल के अंदर नैना देवी है, अलमड़ी के अंदर नंदा देवी है, कोट की माई है, ऐसे करके जो है हमारे वहाँ एक शहर पत्यूर के नाम का एक वह है मतलब गाँव है। अच्छा, तो वहाँ से आगे जो है सीधा जो है पांच भाई पत्यूरी जो है रुबाई लगा रहे थे सावन के महीने थे, मतलब उस टाइम पर जो है आ रहे थे उनके पीछे वह भी लगी, तो ऐसे है करके जो है वह लूटने के चक्कर में ठहरे, मतलब तो भगवान ठहरे हुए। तो वहाँ से आगे बागेनाथ बागेश्वर के वहाँ पर पहुंचे सब, तो गंगा जो थी बिल्कुल अदूर थी मतलब फुल थी, मतलब अच्छा तो फुल थी, तो बस हो गया वहाँ। भगवान जी बोला आप जो वहाँ के उतार करने वाले ठहरे हुए पार पार करने वाले ठहरे उन्होंने बोला कोई तुमको मतलब यहाँ से पार नहीं करेंगे बोला। उसके बाद जो है मुनराज जी ने जो है भुलवा जिसे बोलते हैं वह पकड़ के गंगा में डाला तो गंगा नीचे और ऊपर चले गया। अच्छा, तो वहाँ से जो है सीधा जो है अपना पार हो गए पांच भाई भी हुआ भी अपना उनके पीछे
पढ़ के तो वहाँ से आके भले के मंदिर बोलते हैं हमारे वहाँ, तो वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पहुँच के करके जो है बोला बूजी थोड़ा 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 करके भारी हो गया हुआ, जब तो वह भी पहुँचने लगे। जब उनको लूटने के चक्कर में थे तो भगवान मोहनराम जी ने जो है पाँव ऐसे वहाँ पर रखे, तो वहाँ से मतलब उन्होंने ऐसे गुप्त मारा, जो हम गुरबिठिया बोलते हैं, इसे गुप्त मार के जो है पांच भाई को जो है वहाँ पर दफना दिए। उसके बाद जो है मोहनराम जी जो है यहाँ पर आए, हमारे घर लोटी के अंदर आए, लोटी के अंदर में उन्होंने अपना यहाँ जो हम नाभी बोलते हैं यह दूध जो है यहाँ पर रख दी। तो यहाँ से रास्ते लगे सीधा कहाँ गए, फिर श्री शिखर में गए। अच्छा, इसीलिए यहाँ का लोटी नाम पड़ा होगा ना। अच्छा, तो नाभी रखा है यहाँ पे। अच्छा, लोटी के नाम विष्णु अवतार ठहरे। तो यहाँ से जो है श्री शिखर में गए। पाँव कहाँ हुए? पाँव जो है बनलेख में। बनलेख में सर। अच्छा, धड़ यहाँ पर। हाँ, तब यहाँ लोटी बोलते है ना। हाँ, कितने साल में बना होगा ये मंदिर? ये मंदिर तो आप हमको आप नया पुस्तों के सवाल बुजुर्ग लोगों के आपसे मतलब पहले बुजुर्गों से चलाई पीढ़ी के हुए मतलब। हाँ, हमारी उम्र तो ऐसी ऐसी है मतलब 67-68 की है। तो इसलिए जो है हम उतना नहीं बता सकते। तो है मोहनराम जी शिखर में जाए, हमको तो इतना भी पता नहीं था, आपसे हमको इतना पता चला। और ये भी पता नहीं था कि लोधी क्यों बोलते हैं, और आज ये भी पता चल गया। तो धन्यवाद आपका, आपने हमें बताया, आपका सहयोग रहा। और ठीक है, ये देखो ये महिलाओं का लुक कुछ इस प्रकार है आज। कोई नारिंग खाना, कोई माल्टा खाना, कोई चूक खाना, कोई चाय पीना। यो ये देखो
ये देखे अब पूजा पाठ कंप्लीट हो गए, खाने की तैयारी हो गई है। ये देखे चावल वाले चावल खाएंगे और पूरी वाले पूरी खाएंगे। ये देखे ये भात आ गया है, मैं देवर बनाना बात पारू। ये देखे।